ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चौथी चीज है, पांचवी है, अगर हमें आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना है, आत्माभिमानी बनना है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास करो। जितना सोमानों में रहेंगे, मैं शिव शक्ति हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं कलप कलप की विजय आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, जितना सोमान में रहेंगे आंतरिक शक्तियां जागृत होगी और उतना ही आप सोल कॉन्शियस बन सकते हैं। सोमान अर्थात समर्थ विचार, सोमान अर्थात पॉजिटिव विचार, और जिसके विचार समर्थ हैं वही सोल कॉन्शियस। नहीं नहीं, मैं तो गृहस्थी हूं, मैं नहीं कर सकती हूं, मैं तो अभी नहीं नहीं, वो एक कमजोर है, वो सोल कॉन्शियस नहीं बनेंगे। इसीलिए समर्थ सोच चाहिए।